ये पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के साथ तो खेलते ही आया है। प्रारंभ काल से, आंदोलन के समय से आज तक का इनका इतिहास है और कांग्रेस का इतिहास भी सेम है। एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, दोनों साथ मिले हैं। तो यहाँ के लोगों की भावना से खेलने की उनकी आदत है। दिन भर झूठ सभाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, उनके विज्ञापन के माध्यम से लोगों को झूठ परोसा जाता है और रात को निश्चित रूप से सरकारी लूट की व्यवस्था है। रामगढ़ का जो भी आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी देखिएगा, निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, वो बिल्कुल से आजसू पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, चंद्रप्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ है। बिल्कुल अपना गृह क्षेत्र कहने वाले पहले खड़ा होकर तो बताए कि 15 लाख नौकरी लेके गोला कल पहुंचे थे क्या, उनको बताना चाहिए 3 साल से छात्रों को कैसा धोखा दिया। नमस्कार, न्यूज वीक में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर महासंग्राम जारी है। हमारे साथ मौजूद है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी, जो लगातार कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। सर, जिस तरह से लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या लग रहा है? फीडबैक तैयार करना आपका काम है, लेकिन मैं उत्साह देख रहा हूँ कि जिस तरह का उत्साह लोगों में बना हुआ है। पहली बार जब चुनाव के लिए इधर काम प्रारंभ किए थे, बिल्कुल उसी तरह का उत्साह, वही एनर्जी से सभी लोग काम कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक 27 तारीख को वोट पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में होने वाला है। सर, काफ़ी सुदूर गांवों में भी आप जा रहे हैं, आपने देखा जो आप लोगों ने किया था, अभी क्या इस 3 वर्षों में कुछ दिखा? वो तो पब्लिक बोल रहे हैं। 3 साल के अंदर यहाँ की चलने वाली जो विकास की गति है कहीं ना अवरुद्ध हुई है। विकास का दायित्व तो लेकर जो लोग आए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को छला है। जो कमिटमेंट अपना किए थे, अगर अपने कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने किए कमिटमेंट को भी पूरा कर देते हैं, ना स्थानीय नीति, ना नियोजन नीति, ना रोज़गार, ना लोगों के लिए 3 लाख का घर, ना बिजली बिल माफ़ करने जैसा विषय, ना पेंशन, ना कुछ लोगों के लिए चूल्हा खर्चा, ये सारे जितने 100 वादे हैं उनके, इनको जितना बोल पाइएगा, एक भी काम इन लोगों ने पूरा नहीं किया है। सर, धोखा दिया है अकॉर्डिंग टू यू, बट लेकिन लग रहा है जिस तरह से अभी देखेंगे चुनाव प्रसार में, अभी देखेंगे सर, तो कहीं ना कहीं डाइपर बॉय गेम खेला जा रहा है, बच्चे को गोद में ले। राजनीति के कई तरह के, राजनीति में लोग खेल खेलते आए हैं। ये पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के साथ तो खेलते ही आया है। प्रारंभ काल से, आंदोलन के समय से आज तक का इनका इतिहास है और कांग्रेस का इतिहास भी सेम है। एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, दोनों साथ मिले हैं। तो यहाँ के लोगों की भावना से खेलने की उनकी आदत है। हम लोग निर्माण दल हैं, यहाँ की आवश्यकताओं का हमें बोध है और हम लोग उसके ऊपर उनके हित में लोगों को जनजीवन उतारने के लिए हमारी पहल होती है। सर, अभी आपने अपने संबोधन में कहा कि नारा है उनका, दिन भर लूटो रात में लेटो। नहीं, मैंने कहा कि दिन को झूठ और रात को लूट। जी जी, हाँ, दिन भर झूठ सभाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, उनके विज्ञापन के माध्यम से लोगों को झूठ परोसा जाता है और रात को निश्चित रूप से सरकारी लूट की व्यवस्था है। सर, अंतिम प्रश्न रहेगा कि जैसा फीडबैक हम तय करेंगे, लेकिन जो उत्सुकता देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है उत्सुकता और कहाँ कहाँ क्षेत्र में लगा के? हाँ, ये चुनाव में तो उत्सुकता ही काम करता है। आपको जो कोई अगर चीज़ों को, यहाँ के आबो हवा को पहचानना है, तो उसको एग्रेसिव जब वोटर्स हो जाते हैं तो आप उसके भाव से आप परिचित हो जाएंगे कि क्या परिस्थिति है। और कहा जा सकता है कि आपकी प्रत्याशी बेहतर हर तरफ से, प्रत्याशी खुद अगर व्यक्तिगत भी कहेंगे तो हर तरफ से है और संगठन भी अपने संकल्प के साथ यहाँ पर है। रामगढ़ का जो भी आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी देखिएगा, निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, वो बिल्कुल से आजसू पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, चंद्रप्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव हुआ है झारखंड में, अब तक ये विधानसभा उपचुनाव रिकॉर्ड तोड़ेगा उन लोगों का? बिल्कुल अपना गृह क्षेत्र कहने वाले पहले खड़ा होकर तो बताए कि 15 लाख नौकरी लेके गोला कल पहुँचे थे क्या, उनको बताना चाहिए 3 साल से छात्रों को कैसा धोखा दिया। उनको खड़ा होकर बोलना चाहिए रामगढ़ को लेकर एक भी इंफ्रा, कोई भी चीज़, किसी विषय का नेतृत्व उन्होंने किया है कि आज तक, ये बताना चाहिए। और जबकि ये पहली बार नहीं, 3-3 बार उसी परिवार से मुख्यमंत्री रहे, अपने घर प्रदेश उनको दिखाई नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी। कॉन्फिडेंस पूरा हाई है और साफ कहना है कि काम के बल पर वोट मांगने जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जिस तरह से जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने जनता को भ्रमित किया है, इस बार जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में क्या कुछ परिणाम रहता है, एनडीए के प्रत्याशी या यूपीए के प्रत्याशी जीत का परचम लहराते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही पूरी तरह से सड़कों पर उतर करके जोरदार पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। सहयोगी नूतन के साथ रफी समी, रामगढ़। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा।
अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल,